नमस्कार। 5 दिन की तबाही के बाद बातचीत की टेबल पर रूस यूक्रेन। भारतीयों की यूक्रेन से वापसी के लिए पूर्व सेना प्रमुख समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनी। सिर्फ 5 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें पढ़िए मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नजर। 5 बड़ी खबरें जो आपको अपडेट रखेंगी। 1, बदबूदार शेल्टर होम में रहने को मजबूर यूक्रेनी। पहले दिन रूस से बातचीत बेनतीजा। यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को 5वें दिन भी जारी रही। स्थिति इतनी डरावनी है कि यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए लग्जरी अपार्टमेंट से बदबूदार शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं। इधर समझौते के लिए दोनों देशों के बीच बेलारूस में 6 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही। अगली बैठक यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर होगी। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। पढ़े पूरी खबर यूक्रेन रूस जंग की लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें। 2, यूक्रेन से जारी युद्ध 5 दिन और चला तो कंगाल हो जाएगा। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का दांव खुद रूस पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। जंग 5वें दिन भी जारी रही। एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टेरास के मुताबिक रूस को यूक्रेन पर जल्द कब्जे की गलतफहमी थी। अगर युद्ध 5 दिन और चला तो रूस कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसे में पुतिन को समझौता वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पढ़े पूरी खबर 3, अमूल ने देश भर में अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ी हुई कीमतें आज यानी 1 मार्च से लागू होंगी। अब ग्राहकों को 1 लीटर अमूल गोल्ड के लिए 60 रुपए, अमूल शक्ति के लिए 54 रुपए और अमूल ताज़ा या टोन के लिए 48 रुपए देने होंगे। पढ़े पूरी खबर 4, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पूर्व सेना प्रमुख की तैनाती। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की। इसमें तय किया गया कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर से लगे 5 देशों में भेजा जाएगा। इनमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह पोलैंड, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू स्लोवाकिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे। पढ़े पूरी खबर 5, पंजाब में चुनाव खत्म होते ही 21 दिन बाद जेल पहुंचा राम रहीम। पंजाब में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को वापस रोहतक की सुनारिया जेल भेज दिया गया है। वो 21 दिन की फलों पर जेल से रिहा हुआ था। चर्चा रही कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब चुनाव में डेरे के 40 लाख समर्थकों के वोट के लालच में डेरा प्रमुख को जेल से बाहर निकलवाया। पढ़े पूरी खबर कुछ अहम खबरें हेडलाइन में खबर लेकिन कुछ हटके। रूस यूक्रेन विवाद की वजह बने नेटो के बनने की पूरी कहानी। अमेरिकी दबदबे वाला नेटो रूस यूक्रेन विवाद में सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन नेटो से जुड़ना चाहता है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसे खतरनाक मानते हुए यूक्रेन को ऐसा करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। रूस यूक्रेन विवाद में नेटो क्यों बन गया है अहम किरदार। पढ़िए भास्कर एक्सप्लेनर कार्टूनिस्ट की नज़र से खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं। फोटो जो खुद में खबर है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच लोगों का पलायन जारी है। तस्वीर रोमानिया से लगे सायरट की है, जहां एक यूक्रेनी महिला जान बचाकर अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची है। उसकी आंखों के आंसू घर छोड़ने का दर्द साफ बयां कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायोग UNHCR प्रमुख फिलिपो ग्रांडी के मुताबिक यूक्रेन में जारी जंग के बीच 5 लाख से अधिक लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इनमें से 1.50 लाख नागरिक भागकर पोलैंड, हंगरी और रोमानिया समेत अन्य देश चले गए हैं। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज ही के दिन 1954 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इसे मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट बताया जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यह विस्फोट प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकिनी द्वीप समूह में किया गया था। यंत्र भी इसकी तीव्रता मापने में असफल रहे थे। पढ़िए आज की अन्य घटनाएं। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। कैसी लगी आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। आप help@dainikbhaskar.com पर अपना फीडबैक दे सकते हैं।